Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए हम लोग आज सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 और इनकी मृत्यु 1683 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे और कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास इस मायावी संसार को देखना नहीं चाहते थे। कहा जाता है एक बार ये कुएं में गिर गए थे और इन्होंने बहुत पुकारा ईश्वर को, तब श्री कृष्ण जी ने आकर इनको कुएं से बाहर निकाला था और उन्होंने इनसे वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने कहा कि मुझे इस संसार को नहीं देखना है, और तब से इनको जो है इनकी आंखें चली गई और इन्होंने कृष्ण के सुंदर बाल रूप का वर्णन किया है। चरण कमल बंदो है राई, जिसके पैर कमल के समान सुंदर हैं, मैं उस श्री कृष्ण भगवान की वंदना करता हूँ या करती हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरी माने पर्वत, लांगे माने फान जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है या फांद जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, यानी कहने का मतलब बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने होता है भिखारी, भिखारी अपने सर पर सोने का छत्र रखकर चलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि उस ईश्वर की कृपा से बहरा जो है सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और भिखारी अपने सर पर सोने का छत्र रखकर आगे चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के सागर, करुणामय स्वामी श्री कृष्ण भगवान, इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बार बार बंदोती पाई, मैं बार बार तुम्हारी वंदना करता हूँ। गति गति कछु कहत नावे, अब गति गति कछु कहत नावे, यानी निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। क्यों? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। भाई अगर गूंगा व्यक्ति है, उसको फल खाने को दो तो उसके स्वाद को बता नहीं पाता, यानी केवल मुंह के माध्यम से ही, वो खट्टा होगा तो मुंह बनाएगा खट्टा और मीठा होगा तो मुंह बनाएगा मीठा। क्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी उसकी अंतर आत्मा तो संतुष्ट हो जाती है परंतु उसके स्वाद को अगर कोई पूछता है तो वो उसको बता नहीं पाता है। परम स्वाद मन ही सुअंत निरंतर, यानी उसके स्वाद को मन ही मन गुन लेता है, मन ही मन उसका संतोष पा लेता है। अमित अमित तोष उपजावे, और उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, उसके बारे में लोगों को बता नहीं पाता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, उसी प्रकार निराकार ईश्वर को जो जान लेता है वो उसको पा लेता है, नहीं तो इस संसार में ईश्वर को पाना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, यानी जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई वेशभूषा नहीं, जिसकी कोई रूप, जिसका कोई रूप नहीं, निरालंब के सिद्धावे, यानी मैं उसकी उपासना उसकी पूजा किस प्रकार करूं। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरदास जी कहते हैं मैंने हर प्रकार से विचार कर लिया, सब कुछ जान लिया है। और ताते सूर सगुन पद गावे, इसीलिए श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मैं उस इसलिए उसकी उसकी प्रशंसा या उसकी व्याख्या करता हूँ। चलिए अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे।